नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है स्नातक स्तर पर अध्ययनरत जो छात्र हैं, बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष, उनकी यह कॉमन समस्या हो गई है कि सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित जो यह सिलेबस है उसमें प्रवेश और अध्यापन की क्या नियमावली है। आज का हमारा विषय है प्रवेश एवं अध्यापन नियमावली 2021, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सत्र 2021-22 में प्रवेश एवं मूल्यांकन के क्या निर्देश हैं इसके संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। पाठ्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो कई स्तरों पर विभाजित किया गया है। इसको 6 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में भी हम देख सकते हैं। प्रथम वर्ष में अगर आप कार्यक्रम को पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए आपको 2 सेमेस्टर में मिला करके 46 क्रेडिट स्कोर कम से कम अर्जित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर आप 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, जिसके लिए आपको न्यूनतम 92 क्रेडिट स्कोर अर्जित करने होंगे, अर्थात 4 सेमेस्टर में मिला करके आपके कुल स्कोर 92 हो जाने चाहिए। इसी प्रकार 3 वर्षीय अगर आप स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी, जिसके लिए आपको मिनिमम 138 क्रेडिट स्कोर 6 सेमेस्टर में मिला करके अर्जित करने होंगे। इसी प्रकार अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको शोध सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी, जिसके लिए आपको 8 सेमेस्टर में मिनिमम 184 क्रेडिट स्कोर अर्जित करने होंगे। इसी प्रकार आप बीए और एमए कंबाइंड रूप से आप अगर करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्षीय अर्थात 10 सेमेस्टर की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाएगी, जो आपके बीए की डिग्री से अलग होगा। अर्थात 5 वर्षीय कार्यक्रम को आप पूरा करते हैं तो आपको एक बीए की डिग्री तथा एक एमए की डिग्री या स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपको कुल 10 सेमेस्टर में मिला करके 232 अंक अर्जित करने होंगे। अंक का तात्पर्य यहाँ पे क्रेडिट स्कोर से ही है। इसी प्रकार आप अगर इंटर के बाद ही तय कर लेते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर विषय में शोध करना है तो आपको 6 वर्षीय PGDR कोर्स, जिसको हम प्री PhD कोर्स वर्क के नाम से जानते हैं, ये कंप्लीट करना होगा। और इसके पश्चात आपको BA MA के साथ ही प्री PhD कोर्स वर्क का भी डिग्री आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको PhD करने के लिए कोई कोर्स वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आप अपना शोध कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूनतम 248 क्रेडिट स्कोर करने होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है संकाय का विभाजन। किस प्रकार से संकायों का विभाजन नए सेमेस्टर सिस्टम में किया गया है। तो अभी तक आप दोस्तों ये जानते थे कि कला संकाय के अंतर्गत मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय और समस्त भाषाएं आती थी, परंतु इसमें 2 संकाय कर दिया गया है, भाषा संकाय और कला संकाय। भाषा संकाय के अंतर्गत समस्त भाषाएं आएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा कला संकाय में समस्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषय आएंगे, जिसके अंतर्गत आप समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास और जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनका अध्ययन आप करेंगे। इसके बाद वाणिज्य संकाय के अंतर्गत, जैसा अभी कॉमर्स के अंतर्गत सारे विषय चलते हैं, समस्त प्रश्न पत्र आपके वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय के अंतर्गत आपके विज्ञान के समस्त विषय, जिसमें आपकी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएंगे। इसके अलावा भी कई संकायों का निर्माण जैसा कि पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, जैसे कि आपका विधि संकाय, शिक्षा संकाय जिसमें BA MA आते हैं, इसके साथ ही कृषि संकाय जिसमें BSc AG एग्रीकल्चर के लोग आते हैं। इस सेमेस्टर सिस्टम में 2 नए संकायों का निर्माण किया गया, जिसमें पहला है भाषा संकाय और दूसरा है ग्रामीण अध्ययन संकाय। ग्रामीण अध्ययन संकाय के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा से संबंधित कई सारे पेपर रखे गए हैं। भाषा संकाय और कला संकाय को भले ही अलग अलग कंसीडर किया जा रहा है, मान्यता प्रदान की गई है, परंतु दोनों ही विषयों को जब डिग्री देना होगा
तो वो कला संकाय के अंतर्गत ही मिलेगा, अर्थात बीए बैचलर ऑफ आर्ट की ही डिग्री मिलेगी। अब ये संकाय के पश्चात आता है कि हम कैसे विषय का चयन करेंगे। कई छात्रों की ये परीक्षा है कि 3 विषय लेना है, कि 4 विषय लेना है, कि 5 विषय लेना है, कि 6 विषय लेना है। इस तरह के कई सारे प्रश्न उनके मन में संदेह हैं, खास करके जो विज्ञान विषय के छात्र हैं, जो वाणिज्य विषय के छात्र हैं, इसके साथ ही साथ जो कला विषय के छात्र हैं जिन्होंने भाषा को एक विषय के रूप में चुना है, उनकी यह जिज्ञासा है कि क्या भाषा को अलग संकाय माना जाएगा कि कला संकाय के अंतर्गत रखेंगे। तो इस पे अभी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जैसे आप पहले बीए में 3 विषय होते थे, परंतु इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। इसमें सबसे पहले आपको 2 मेजर सब्जेक्ट चुनने होंगे, मुख्य विषय जिसको कहेंगे, मेजर सब्जेक्ट। ये कोई भी 2 हो सकते हैं, आपका जो सबसे प्रिय विषय होगा उनमें से आप 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे बीएससी वाला फिजिक्स केमिस्ट्री, कॉमर्स वाला अपना 2 पेपर कोई भी, इसी प्रकार कला संकाय का जैसे शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र, या इतिहास और भूगोल आपने चयन कर लिया। इसके बाद आपको तीसरा वैकल्पिक मुख्य विषय चुनना पड़ेगा। एक आपका वैकल्पिक मुख्य विषय होगा जिसे आप दूसरे संकाय से भी चयन कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। जैसे विज्ञान विषय का विद्यार्थी अगर हिंदी में अगर रुचि उसकी इसी रुचि है तो वह हिंदी चूज करेगा, हिंदी के साथ उसका केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई इतिहास और भूगोल पढ़ रहा है, उसके साथ अगर उसको पसंदीदा विषय गणित है तो वह तीसरे मुख्य विषय के रूप में गणित ले लेगा। अर्थात वैकल्पिक मुख्य विषय का चयन आप अपने संकाय से अथवा अन्य संकाय से भी कर सकते हैं। भाषा संकाय को यहाँ पे जिक्र करना उचित होगा कि भाषा संकाय को यहाँ पे अन्य संकाय भी आप मान सकते हैं जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं। अर्थात विज्ञान संकाय के विद्यार्थी भी हिंदी को अन्य संकाय के रूप में लेंगे, भाषा संकाय के रूप में लेंगे, और जो शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी उर्दू संस्कृत को अन्य संकाय का विषय ही मान करके तीसरा वैकल्पिक विषय के रूप में उसको रख सकते हैं। इसके पश्चात एक नया पैटर्न लाया गया है, इलेक्टिव विषय, जिसे हम माइनर विषय के रूप में कहेंगे। माइनर विषय के बारे में यह कहा गया है कि यह पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में इसे अनिवार्य किया गया है, तथा स्नातकोत्तर के अगर पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेते हैं तो 4थे वर्ष में वह अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार आप पहले, दूसरे और 4थे वर्ष में अगर स्नातक और स्नातकोत्तर की इंटीग्रेटेड डिग्री आप ले रहे हैं तो आपको इलेक्टिव विषय का चयन करना होगा। इलेक्टिव विषय के साथ यह कहा गया है कि 3रे, 5वें और 6वें वर्ष में यह विषय अनिवार्य नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्टिव विषय के विषय में एक बात और कही गई है कि अगर इलेक्टिव विषय आप किसी कॉलेज में से नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं NPTEL या ऑनलाइन जो भी मान्यता प्राप्त समूह है, कोर्सेज हैं, उनसे आप जाकर के उसी क्रेडिट स्कोर के जो आपके विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट स्कोर के विषय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसी के बराबर आप ऑनलाइन कोर्स से भी इलेक्टिव शिक्षा या विषय को ग्रहण कर सकते हैं। इलेक्टिव विषय और वैकल्पिक मुख्य विषय के संबंध में यह बात कहा गया है कि दोनों को इस प्रकार से आपको लेना है कि दोनों में से कोई एक विषय ऐसा हो कि जो अन्य संकाय का हो। जैसे अगर आपने अपने 2 मेजर विषय कला संकाय से लिए हैं तो आप तीसरा भी कला संकाय से ले सकते हैं वैकल्पिक मुख्य विषय। शर्त यह है कि इलेक्टिव विषय जब आप चूज करेंगे जो माइनर होगा वो अन्य संकाय का होगा। तो इसके लिए आप विज्ञान संकाय के किसी माइनर कोर्स को, या विज्ञान वाला अगर मान लीजिए केमिस्ट्री और फिजिक्स ले रहा है तो वो हिंदी को एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में रख सकता है, और वैकल्पिक मुख्य विषय के रूप में भी वह जूलॉजी या बॉटनी को कंसीडर कर सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अनिवार्य न्यूनतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें आपका उद्देश्य कौशल विकास के पाठ्यक्रम को, विषयों को पढ़ना रखा गया है जिससे आपका कौशल विकसित हो सके। ये विषय आपको पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ना अनिवार्य होंगे, और प्रत्येक सेमेस्टर में यह 3 क्रेडिट स्कोर का यह पाठ्यक्रम होगा।
इस प्रकार आप प्रथम चार सेमेस्टर में अनिवार्य न्यूनतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से 12 क्रेडिट स्कोर अर्जित करेंगे। इसके लिए कॉलेज किसी IITs या किसी स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ वो MOU साइन करेगा और वहाँ से आपको कोर्स करने की कोर्स कोई नया डेवलप किया जाएगा, अर्थात या पूर्व से कोई कोर्स चल रहा हो तो उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इसमें मानदेय की व्यवस्था भी कुछ छात्रों को दी जाएगी। इन सभी विषयों के अतिरिक्त आपको अनिवार्य सह विषय भी पढ़ना पड़ेगा। अनिवार्य विषय, प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक विषय पढ़ना पड़ेगा, अर्थात कुल 6 अनिवार्य सह विषयों का अध्ययन आपको करना होगा। इन अनिवार्य विषयों की जो परीक्षा होगी वह बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से होगी, जिसमें आपको मिनिमम कम से कम 40% अंक पाना अनिवार्य होगा। इस स्कोर की गणना आपके CGPA गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात इसमें अंक तो मिलेंगे लेकिन वो फाइनल आपके मार्क्स में जुड़ेंगे नहीं। ये आपका 2 क्रेडिट स्कोर का होगा, अर्थात इसमें कुल आप 3 सालों में 6 सेमेस्टर में 12 क्रेडिट स्कोर अनिवार्य सह विषयों के माध्यम से अर्जित करेंगे। जैसे पूर्व में आपका पर्यावरण शिक्षा या राष्ट्र गौरव चलता था, उसी प्रकार से ये है। अगला जो टॉपिक हमारा है शोध परियोजना के संबंध में, अगर कोई बालक शोध के संबंध में 6 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगर एडमिशन लेता है तो उसको 5वें से 11वें प्रत्येक सेमेस्टर में 1 शोध लेना होगा, 3रे वर्ष में उसे 1 लघु शोध लेना होगा, 4थे साल में बृहद शोध और 5वें साल में भी 1 बृहद शोध उसको करना होगा, 3रे साल में उसके 2 मेजर विषय होंगे जिसमें उसको लघु शोध करना होगा, 4थे और 5वें साल में जो उसके मुख्य विषय होंगे उससे संबंधित शोध परियोजना में उसको करना होगा। यह शोध परियोजनाएं उसके मुख्य विषय से संबंधित हो सकती हैं अथवा जो इलेक्टिव विषय हैं, अर्थात उससे संबंधित जो इलेक्टिव विषय हैं उससे भी शोध परियोजना हो सकती है। जब इलेक्टिव विषयों में हम कोई शोध परियोजना करेंगे तो उसके लिए शोध करने के लिए एक शिक्षक के साथ साथ कोई अन्य सुपरवाइजर भी अलॉट होगा जो कि उसे शोध कराएगा। स्नातक और PGDR के CGPA में शोध परियोजना से जो अंक प्राप्त होंगे उसकी गणना नहीं की जाएगी, जबकि स्नातक शोध अर्थात 4थे वर्ष में और स्नातकोत्तर यानी कि 5वें वर्ष में इसकी गणना होगी। अर्थात ये 100 अंक का एक पेपर होगा जिसकी गणना आपके 4थे और 5वें साल की डिग्री में जोड़ी जाएगी, और 3रे साल जब आप स्नातक की डिग्री लेंगे और जब आप 6वें साल PGDR जब आप इस विषय को लेंगे तो वहां पे इसकी गणना नहीं होगी, सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट स्कोर आपको इस शोध परियोजना से मिलेगा। शोध परियोजना में 4×4 अर्थात 4 सेमेस्टर आपको इसको अध्ययन करना होगा, टोटल आपको इससे 16 क्रेडिट मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद हमें डिग्री मिलेगी। तो आप इसके लिए जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि 60% क्रेडिट आप किसी भी संकाय में जब प्राप्त करेंगे तो उसी संकाय में आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से आपका परसेंटेज क्रेडिट स्कोर का 60% से कम आ गया तो आपको बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी। ये डिग्री आपके MA में यानी कि जिस विषय से आप MA करना चाह रहे हैं और आपका 60% से कम नंबर आ गया तो आप उसमें MA करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु ऐसे उन सभी पाठ्यक्रमों में एडमिशन करने के लिए एलिजिबल होंगे जहां पर केवल स्नातक किसी भी विषय से मांगा जाता है, यानी कि स्नातकोत्तर में जहां भी पूर्व वांछनित अभियोग्यता आपकी स्नातक होगी वहां पे आप एडमिशन कर लेंगे। जैसे पत्रकारिता विषय से MA करने के लिए आपको सिर्फ स्नातक होने की आवश्यकता होती है, परंतु अगर MA शिक्षा शास्त्र आप करना चाहते हैं तो आपको BA में मिनिमम आपको 60% क्रेडिट स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दूसरा हाइलाइट्स ये है कि परीक्षा के बिना कोई भी क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे आप अध्ययन करने से क्रेडिट स्कोर अर्जित नहीं करेंगे, जब तक कि आपने उसकी परीक्षा न दी हो आप उसमें सम्मिलित न हो। इस क्रेडिट स्कोर में सिस्टम यह लगाया गया है कि 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य होगी। एक बार अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं किसी भी विषय में तो आपके सेमेस्टर ब्रेक नहीं लगेगा, आप दूसरे सेमेस्टर में चले जाएंगे। उस सेमेस्टर की परीक्षा जिसमें आप फेल हो गए हैं द्वितीय सेमेस्टर के साथ ही दे देंगे।
इसके साथ ही एक सेमेस्टर आपका 15 सप्ताह का होगा, जो कुल मिलाकर के 90 दिन का होगा। इसमें 75% आपके अंक बाह्य परीक्षक के द्वारा, यानी कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम होता है या सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसके माध्यम से, और 25% एग्ज़ाम का नंबर आपको होम एग्ज़ाम या आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिया गया है। अर्थात वह शिक्षक आपको 25% नंबर देगा जो आपको प्रतिदिन कक्षा में पढ़ाता है। उस 25% अंक में आपका कई प्रकार से डिवीजन किया गया है, 5% उपस्थिति, 5% असाइनमेंट से, 15% मिड सेमेस्टर क्लास टेस्ट से, अर्थात अध्यापन करने वाला ही मूल्यांकन करेगा। एक क्रेडिट स्कोर आपका 15 घंटे का, 4 क्रेडिट 60 घंटे का, 6 क्रेडिट 90 घंटे का, और 5 क्रेडिट स्कोर आपका 75 घंटे का होगा। तो 40% आपको सैद्धांतिक के नंबर मिलेंगे और 60% अंक आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। उसमें एक क्रेडिट पाने के लिए 75 घंटे का सैद्धांतिक और 30 घंटे का व्यवहारिक आप काम करेंगे तब आपको एक क्रेडिट मिलेगा। इस प्रकार अगर आप समझिए कि 3 क्रेडिट का अगर कोई पाठ्यक्रम इलेक्टिव विषय का है तो उसमें मिनिमम 15 घंटे सैद्धांतिक और 60 घंटे का प्रशिक्षण होना चाहिए। इस सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम में निकास और प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है, अर्थात आप 1 साल का कोर्स करने के बाद अगर आप निकल जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप द्वितीय वर्ष में फिर से एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको, आप डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके लिए एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की योजना बनाई गई है जहाँ पे आपके द्वारा अर्जित किए गए समस्त क्रेडिट स्कोर उसी बैंक में अर्जित होंगे। जब आप द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेंगे तो स्नातक के प्रथम वर्ष का जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आप जमा करेंगे, तो वह पुनः आप सर्टिफिकेट जमा करते ही आपके क्रेडिट बैंक में वह स्कोर दिखाई देने लगेगा। कौशल विकास के लिए स्नातक के प्रथम वर्ष में कुछ कोर्सेज बताए गए हैं, जिसमें प्रथम सेमेस्टर में आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा बागवानी में से कोई एक विषय लेना होगा। द्वितीय सेमेस्टर में खाद्य प्रसंस्करण अथवा मत्स्य पालन में से कोई एक विषय। तृतीय सेमेस्टर में बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अथवा ऊर्जा प्रबंधन में से कोई एक विषय। और चतुर्थ सेमेस्टर में मृदा एवं जल संरक्षण तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार में से कोई एक विषय लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों की सूची दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। अनिवार्य सह पाठ्यक्रमों की सूची आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर दूं कि प्रथम सेमेस्टर में आपको भोजन पोषण तथा स्वच्छता के संबंध में, द्वितीय सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में, तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग, चतुर्थ सेमेस्टर में मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, पंचम सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता, छठवें सेमेस्टर में आपको संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से सेमेस्टर प्रणाली में कैसे हम नामांकन लेंगे, कैसे हम विषयों का चयन करेंगे और कैसे एग्ज़ाम देंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इस वीडियो के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।